की हल्दी उसकी बड़ी बहन को लग गई है, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल लगनी तो मुझे चाहिए लेकिन लग रही है दीदी को, तो इसके पीछे क्या भगवान की मर्जी है वो तो जानना पड़ेगा। लेकिन अवंतिका ने ठान ली कि शादी तो साहिल से ही करेगी, तो देखते हैं कितना नमक मसाला क्या क्या तड़का मरता है और क्या होने वाला है वो जानने के लिए ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा अवंतिका क्या क्या खेल रचती है और कैसे साहिल को पाती है। वैसे खेल रचने से पहले भी एक संकेत भी हो रहा है जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खुद भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, मेरी शादी साहिल से होने वाली है क्योंकि वो रिच है, हैंडसम है और अवंतिका को तो ही चाहिए। कहीं कहीं संगीत के बीच में साहिल भी आ चुके हैं, तो उसमें क्या बताना चाहेंगे? वो तो मुझे नहीं पता है साहिल अवंतिका से क्या बात करने वाला है, वो तो अभी राज है, अभी देखते हैं क्या होता है क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि साहिल मुझसे क्या बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी। अच्छा लास्टली पूछना चाहेंगे अवंतिका की बड़ी बहन है वेदिका, लेकिन क्या उसका नेगेटिव रोल देखने मिलेगा अवंतिका को साहिल को पाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि अवंतिका बहुत ज़िद्दी है और बहुत लाड से उसे पाला गया है और दीदी तो उसकी इतनी फेवरेट है कि मतलब उसको पता है कि उसकी दीदी उसकी हर बात मानेगी, लेकिन अगर उसकी दी उसके यू नो उसकी चीज़ों के आगे आएंगी तो आई डोंट थिंक वो उसको भी छोड़ेगी। सो अवंतिका इज़ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड वेरी यू नो मतलबी है, सो देखते हैं। जीवंतिका की हल्दी है और संगीत भी है, तो लुक के बारे में बात करना चाहेंगे। लुक तो वेल मेरा गोल्डन एंड क्रीम ब्लाउज है एंड दिस ऑरेंज लहंगा व्हिच आई दिस इज़ माय फेवरेट ऑरेंज एंड बहुत ही सिंपल दिस चोकर एंड झुमका। आपका जो नेकलेस है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा या है, इट्स इट्स अ चोकर, इट्स अ सो कुंदन चोकर, द रिंग रिंग इज आल्सो वेरी गुड, या इट्स आई वेरी लाइक दिस डिफरेंट। वन। चेयर साइड कर दो तो बहुत अच्छे से अच्छा पूरा आप चाहते कि पूरा राउंड। यस ओके स्टैंडर्ड हो। एक बार प्लीज, एक बार हाँ जरूर। फाइनली मतलब बेटे ने हाँ कर दी है शादी के लिए और आज एक रस्म से शुरुआत हुई है हल्दी की, अगर थोड़ा रस्म के बारे में। बस दो दिन का ही वक्त मिला है, पंडित ने बोला है कि अगर अभी शादी नहीं हुई तो 8 महीने तक कोई शादी नहीं होगी, कोई मुहूर्त नहीं है, या मतलब 8 महीने के बाद कोई मुहूर्त आएगा, तो वेदिका के चक्कर में फंस रही है, तो मुझे तो किसी तरीके से आनंद फानन शादी करवानी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में छोटा सा जैसे भी रैप अप करना है कैसे भी, तो हल्दी का थोड़ा छोटा सा एक फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, हल्दी और मेहंदी एक साथ ही। हल्दी लगा रही है लेकिन साहिल कहीं ना कहीं नाखुश और उदास से लग रहे हैं। ऑफकोर्स वही शादी से खुश नहीं है क्योंकि मैंने उसको बहुत धमकियाँ और अन इमोशनल अत्याचार करके उसको फंसाया कि भाई माँ चाहिए कि नहीं, माँ माँ का प्यार दुहाइयाँ देख देख कर, बेचारा मान तो गया है इसलिए वो शादी कर रहा है लेकिन दुखी अंदर से, और क्योंकि वो दुखी है इसलिए मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है अभी दुखी है खुश हो जाएगा अपने आप। ओके, तो माँ का कहीं ना कहीं ये कहना है कि भले किसी भी अंदाज में या किसी भी वे में मान गए हैं तो शादी हो जाए तो एक बार निपट जाएगा। हाँ, जो ये माँ बाप जानते हैं कि उन बच्चों के लिए अच्छा क्या है, अब जैसे कि बच्चा बीमार है या उसको आइसक्रीम नहीं खानी है या उसको कोई कड़वी गोली देनी है तो सब कोई और सोचेगा, तो सोचेगा यार अपने बच्चे को कड़वी गोली दे रही है, बच्चा भी कहेगा मुझे कड़वी गोली खिला रहे हो, लेकिन कड़वी गोली से अगर बुखार उतरता है तो कड़वी गोली दी जाती है। okay, यही बड़ा ही अच्छा सा स्वागत भी किया जा रहा है यहाँ पर, आप हल्दी मतलब उतरन वाली हल्दी लेकर आई हैं साहिल को लगाने के बाद, स्वागत हो रही है लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आने वाला है हमने सुना है। हाँ, यहाँ पर अब देखें, इंसान तो बहुत कोशिश करता है कि उसे, वो सोचता भी बहुत है, कोशिश भी करता है लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आने वाला है बहुत सारा। थोड़ा हिंट दे कि क्या होने वाला है? बस ये हल्दी उसे ही लगेगी जो जिस जो जो उसकी मन की दुल्हन होगी। घर का नौकर बना के काम करवाए जा रहे हैं क्या, मतलब सीन एग्जैक्टली चल क्या रहा है?
आर्या नफरत करने लगी है अब साहिल से और वो किसी भी हालत में उसे अपनी आंखों के सामने तक नहीं देखना चाहती, बहुत नफरत करने लगी है, इसलिए अब वो उसे ऐसे ट्रीट कर रही है कि तुम मेरे नौकर बन चुके हो और अब तुम्हें सब नौकरों वाला काम करना है, जहाँ नौकर खाकर बैठते हैं वहीं तुम्हें बैठना है, तुम हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठोगे। सो इस तरीके से अब कुछ माहौल चल रहा है। साहिल को और कितने इशारों पर नचाने वाली है, मतलब क्या अब तक तो जो मैंने किया है वो बहुत है और मैं हर सीन में वेदिका को ये धमकी देती रहती हूँ कि अब तक जो मैंने किया है वो तो कुछ भी नहीं है, आगे देखो मैं तुम्हारे पति को कितना तड़पाती हूँ। इतनी बार ये बोल चुकी हूँ कि अब मैं घर पे भी सोते सोते भी ये सारे डायलॉग्स बोल रही हूँ, इतना हो चुका है क्योंकि हर एक सीन में यू नो मैं इतना इतनी हद तक बोलती हूँ कि वेदिका मुझे थप्पड़ मारने आती है और साहिल रोक देता है, फिर मुझे थप्पड़ मारने आती है फिर रोक देता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है और आगे भी बहुत हद तक बात बढ़ने वाली है। सो फिलहाल तो यही चल रहा है। थैंक यू। घर का नौकर बना के काम करवाए जा रहे हैं क्या, मतलब सीन एग्जैक्टली चल क्या रहा है? आर्या नफरत करने लगी है अब साहिल से और वो किसी भी हालत में उसे अपनी आंखों के सामने तक नहीं देखना चाहती, बहुत नफरत करने लगी है, इसलिए अब वो उसे ऐसे ट्रीट कर रही है कि तुम मेरे नौकर बन चुके हो और अब तुम्हें सब नौकरों वाला काम करना है, जहाँ नौकर खाकर बैठते हैं वहीं तुम्हें बैठना है, तुम हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठोगे। सो इस तरीके से अब कुछ माहौल चल रहा है। साहिल को और कितने इशारों पर नचाने वाली है, मतलब क्या? अब तक तो जो मैंने किया है वो बहुत है और मैं हर सीन में वेदिका को ये धमकी देती रहती हूँ कि अब तक जो मैंने किया है वो तो कुछ भी नहीं है, आगे देखो मैं तुम्हारे पति को कितना तड़पाती हूँ। इतनी बार ये बोल चुकी हूँ कि अब मैं घर पे भी सोते सोते भी ये सारे डायलॉग्स बोल रही हूँ, इतना हो चुका है क्योंकि हर एक सीन में यू नो मैं इतना इतनी हद तक बोलती हूँ कि वेदिका मुझे थप्पड़ मारने आती है और साहिल रोक देता है, फिर मुझे थप्पड़ मारने आती है फिर रोक देता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है और आगे भी बहुत हद तक बात बढ़ने वाली है। सो फिलहाल तो यही चल रहा है। थैंक यू। बड़ी अम्मा ने आपकी किडनैपिंग करा दी है, मुझे तो पता नहीं है कि इनफैक्ट मुझसे मैं तो कुछ और टेंशन में थी और आके अचानक से मुझे गुंडे लेके चले गए हैं, तो ये किसने किया क्यों किया ये अब तक मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिला है, अब तो मैं बेहोश हूँ। पर उठ जाऊँगी तो पता ही होगा कि इनमें से किसी एक को नीश या बड़ी अम्मा यही फैमिली मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो इन्होंने ही किया होगा ऐसा मेरा अंदाज़ा होगा। हाँ ये तो आई थिंक मैंने वेदिका ने एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगी, पर पता नहीं उसको पता कि ऑफकोर्स आर्या ने बताया होगा या पता नहीं जैसे भी उसको पता चल गया, पर अभी उस बड़ी अम्मा से कुछ करना नहीं है वेदिका को, उसे कोई प्रॉब्लम या कुछ भी, उसे उसका मेन टेंशन है आर्या तो उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करिए। पर बड़ी अम्मा ने ऐसे भी बोला है कि मैं आर्या को अगर तुम नज़दीक भी आने की कोशिश करोगे साहिल की है परिवार की तो मैं आर्या के साथ कुछ कर लूँगी, तो ऑफकोर्स अब उसका बहुत सारा ध्यान आर्या पे ही है। तो किस तरह से वापस आप कनेक्ट होंगी आर्या से, आप कितना? हाँ बहुत कोशिश कर रही है, पर हाँ आर्या एक 21 ईयर की लड़की है तो उसके खुद के माइंड उसके खुद के डिसीजंस उसके खुद के, बिकॉज दैट्स द एज जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग वगैरह हो जाती है, तो हाँ उसने सोच के रखा हुआ है 5 साल से आप एक ही बात सोचोगे तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट। पर हाँ वेदिका कोशिश तो करेगी, माँ है और फाइनली सकम तो होगा ही, वो आर्या मानेगी बट वो कब मानेगी कैसे मानेगी उसके लिए वेदिका को कितना सारा प्रूव करना पड़ेगा वो सब तो स्ट्रगल होगा। आपको तो किडनैप किया ही है, आपके साथ साथ छोटे से नन्हे बच्चे वेद को भी किडनैप किया है जिसका ब्लेम बढ़िया मैं आपके ऊपर को टोटली डालना चाहती है, तो किस तरह आप इस चीज़ों को फेस करेंगी जब आप? बढ़िया मैं बहुत चालाक है तो वो कैसे करेगी मुझे नहीं पता वो अभी हम, बट ऑफकोर्स वो जानती भी है कि ये जो बच्चा है वो साहिल का बच्चा है क्योंकि ये मिल चुकी है इससे, तो मुझे लगता है कि उठते ही वेदिका को पता चल जाएगा कि ये सारा बड़ी अम्मा का प्लान है क्योंकि साहिल का बच्चा है और ये क्या करना चाह रही है, तो वेदिका अपने तरफ से भी खेलेगी, वो फिर आई है इधर कानपुर ये सब बताने के लिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो उसने सोचा ही होगा कुछ। फैमिली वाले तो वैसे मतलब ज़्यादा खुश नहीं है आपको देख कर के, लेकिन आप तो कुछ भी करके ट्राई कर रही है सब सॉर्ट आउट करने की? आर्या इज माय मेन कंसर्न, बाकी कोई साहिल को तो अभी क्या, वो इतने साल दूर रही है साहिल से तो साहिल तो एक अलग ही इशू है, पर आर्या मेन इशू है उसका अभी। इन
एंड लास्टली आप जो आपके ब्लेम आने वाला है उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे कि आपने ही वेद की किडनैपिंग की है जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल होगा आई एम श्योर. तो वो तो आप एक दो दिन में आइए ना, जब मैं करूँगी तो मुझे पता चलेगा. शीघ्र ही चलिए विलंब मत कीजिए. मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहूँगी, बस ये है कि वेदिका इस बार साहिल के प्यार में बहुत जैसी हो गई है और उस चक्कर में अरे थोड़ा बो करके निकलेगा साहिल पे आने वाला था और रोल बस साहिल उसकी मरहम रोलिंग कर रहा है. शीघ्र ही चलिए विलंब मत कीजिए और नोट करके निकल जाए. रोलिंग एक्शन. साहिल उनको मरहम पट्टी कर रहे हैं. हाँ, वही तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब पहले हो चुका है जो अब ऑपोजिट हो रहा है. तो हाँ, इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट कि हमेशा वेदिका ही करती रहती है क्योंकि साहिल हमेशा मुसीबत में पड़ता रहता है. तो वेदिका हमेशा उससे मरहम जो भी लगा रही थी वहाँ साहिल और साहिल समझा रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो. उसको तो साहिल से नफरत ही है क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि वो मैं उसकी वाइफ हूँ और आई एम ऑलवेज इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स साहिल. उस पर मेरी सारी सिंपथी है और साहिल तो वैसे ही बहुत प्यार करता है वेदिका से. तो वो वेदिका को तो मान नहीं सकता जो कि उसने बहुत कर भी लिया है, पर अभी वो साहिल उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि साहिल सब कुछ भूल गया है और वो 10 साल का बच्चा हो गया. तो गले लगाया है साहिल ने मुझे एज इनोसेंटली, ये वेदिका को लगता है इनोसेंटली. तो उसने रिएक्ट कर लिया, मार लिया, ख़त्म ही कर देता है एक्चुअली वो उसे. अफकोर्स अफकोर्स वेदिका तो डे वन से साहिल के सपोर्ट में ही है और जबकि साहिल की इस हालत की जिम्मेदार समवेयर वेदिका इज़ ऑल्सो देयर. तो वेदिका को खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है. तो शी इज़ इन अ लॉट ऑफ गिल्ट और ऊपर से कोई साहिल के साथ ऐसा बिहेव करे वो भी वेदिका का हस्बैंड, तो उसको और भी बुरा लगेगा ही. हम रेस्टोरेंट में मैं और यश डिनर के लिए गए होते हैं, वहाँ पे साहिल को पता चलता है तो वो वहाँ आ जाता है और फिर कोई वहाँ पे मस्ती करता है और फिर मैं और यश थोड़ा सा डांस करने लगते हैं, उसको बुरा लग जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है. वो भाग के फिर यहाँ आता है. वो तो क्योंकि वेदिका और साहिल का कार्मिक कनेक्शन है तो वेदिका को फीलिंग आती है कि वो इसी यहाँ पे ही आया होगा, तो इसलिए वो यहाँ आ जाती है उसको ढूंढते ढूंढते. फिर कह रहे साहिल ने वेदिका को आधार कार्ड भी बताया है वेदिका को कि एड्रेस शायद से उसको वहीं से मिला हो, तो कार्ड कैसे पहुँच जाती है उसके पास? वो मुझे नहीं पता. एक पॉइंट पे ऐसा वेदिका को लगता है कि शायद जो यश बोल रहा है वो सही बोल रहा है, पर फिर उसने कार्ड निकाला. आधार कार्ड जिसके पास हो. एक मिनट. आधार कार्ड जिसके पास हो उस पर तो विश्वास करना ही चाहिए. जी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वेदर. ये वेदर में आप सब फील करते हो अपने बारे में, रोमांटिक, बाहर जाना चाहते हो, डेट पे, ड्राइव पे, लोगों से मिलना चाहते हो, घर पे भी बैठना चाहते हो, तो यू फील लाइक गोइंग आउट, यू फील लाइक स्टेइंग एट होम. क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है. आई थिंक माहौल इतना अच्छा है यहाँ पे. तो जब भी मौका मिलता है, पिछले इनफैक्ट जून से मैं बाहर रोज़ आ रहा हूँ ये टाइम पे, क्योंकि हमारा ब्रेक टाइम होता है 6:30 बजे. तो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू कम आउट एंड जस्ट स्टैंड हियर एंड जस्ट सी द स्काइज. तो वैसे तो बहुत से तरीके हैं मॉनसून को एंजॉय करने का, तो करण किस तरह से एंजॉय करते हैं? मैं जाता हूँ बैंड स्टैंड सबसे पहले, या तो जू बीच, और वहाँ जाके सिर्फ खड़े रह जाता हूँ. इवन इफ इट रेन्स इट रेन्स, रेनकोट नहीं पहनता. मेरे पास गाड़ी में कभी कभार एक प्लास्टिक शीट लगा है मैंने अपनी सीट पर, तो आई जस्ट गेट वेट एंड या आई मीन दैट्स द बेस्ट पार्ट, जस्ट स्टैंड देयर एंड गेट वेट. बस खाली रॉक्स पे मत जाना बिकॉज द वाटर माइट टेक यू इनसाइड. वैसे तो
काफ़ी कुछ अच्छे डिशेस भी है खाने के लिए गर्मा गर्म, तो उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मुझे समोसे बहुत पसंद है, बट ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिकली मुझे. इनफैक्ट बारिश के मौसम में मैं लोनावला जाना चाहता हूँ, वहाँ की मैगी और एक चाय और एक हाथ में बस उतना ही. And that's the best thing ever. I think Maggie and chai is the perfect combination during the rains. But kitna difficult hai sahil currently shoot bhi karna barish mein agar outdoor shoot ho. In fact main to wait karta hu ki kabhi hamara outdoor shoot ho, kyunki hum yahan shoot karte hain, hamara set hai ye. To roz set pe aana kabhi kabhar aisa lagta hai ki yaar ek outdoor pe aa jaye, kyunki agar mera set film city mein hota to main to bahut khush hota kyunki wahan vatavaran hi aisa hai. तो आई एम होपिंग कि हम फिल्म सिटी जाए, तो जब भी हमें नेक्स्ट डे का कॉल टाइम में फिल्म सिटी, हम लाइक चलो आज काम पे जाना है मुझे, वैसा फील आता है. तो जैसे कि अभी आप बिजी हो शूटिंग के लिए, तो अगर जब आपको ऑफ मिलता है और उस दिन बारिश है, तो व्हाट वुड बी द मैं शहर से निकल जाता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, पेट्रोल भराता हूँ, आई हैव अ कार, आई हैव पेट्रोल एंड आई हैव म्यूजिक, तो आई जस्ट टेक ऑफ. गाड़ी में बारिश के टाइम गाड़ी चलाना तो इज़ द बेस्ट थिंग एवर. आई जस्ट प्ले व्हाटएवर म्यूजिक यू लाइक. आई यूजली लिसन टू रणबीर कपूर सॉन्ग्स एंड सो आई लिसन टू ऑल ऑफ हिज ट्रैक्स एंड आई जस्ट टेक द रोड. आई थिंक क्योंकि हमारा स्केड्यूल इतना टाइट है तो कभी कभार अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो अगर आधा दिन भी मिल जाता है जस्ट टेक ऑफ. मैं तो ये बिलीव करूँगा क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू नेचर एज अ पर्सन और मेरा नेचर भी बहुत अच्छा है, तो उसके हिसाब सॉरी लेम था वो, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट सोक इन द वेदर एंड जस्ट टेक द रोड्स. जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है. मैं हूँ ही ऐसा ग्रे एज अ पर्सन, मैं कलर नहीं हूँ, डार्क नहीं हूँ, मैं ग्रे हूँ, तो मुझे शेड्स पसंद है. आई एम नॉट 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बट आई लाइक द वेदर, इट्स नाइस. अगर आप कैमरा भी ऊपर जूम कर लो मेरे साथ, तो इट्स रियली नाइस, लाइक दैट साइड ओवर देयर, इट इज़ अमेजिंग. इट्स नॉट इन रेनिंग, इट्स नॉट ड्रिजलिंग, बट इट्स द परफेक्ट वेदर, और हल्की सी ब्रीज भी आ रही है, तो आई थिंक इट्स जस्ट सेक्स वेदर. अरे 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 ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं तो बारिश हो, विंटर हो, समर हो, जो भी हो, मैं सिर्फ ऐ दिले मुश्किल गाते रहता हूँ हमेशा. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, बारिश के बिना गुजारा, ऐ दिले मुश्किल. थैंक यू.